ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, एक गौस का गुलाम, गौस आजम का गुलाम, गौस आजम की खानकाह में जाता है, देखता है कि गौस आजम की खानकाह में एक शख्स वहां पर तड़प रहा है, हाथ पांव टूटे हुए हैं। तो गौस आजम से अर्ज करता है, हे गौस आजम, आपकी बारगाह में आया है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, बड़ी बुरी हालत में है, इसे क्या हुआ, इसकी मदद फरमाइए। गौस आजम फरमाते हैं, ये अब्दाल है, अब्दाल, तीन अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे मेरी खानकाह के ऊपर से। मकाम क्या था? अब्दाल था, अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे। दो अब्दालों ने देखा गौसे आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा, मैं खुद वली हूँ, मैं क्यों गौस का अदब करूँ, ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूँ, उड़ने वाला अब्दाल गौस की तोहीन करे, उसकी ये हालत है, जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी।